किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की तीन सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गेहूं की वैरायटी के बारे में, जिनकी पैदावार क्षमता सभी अन्य वैरायटियों से सबसे ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, आपको इन तीनों ही वैरायटियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इनकी बुआई का समय क्या है, कटाई का समय क्या है, आपको कितनी सिंचाई करनी पड़ेगी, इनका उत्पादन कितना आपको मिलता है, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप एक अच्छी और सही जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, नंबर तीन पर जो हमने गेहूं की वैरायटी रखी है, इस वैरायटी का नाम है HD2179। यह बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली गेहूं की वैरायटी है। इसके यदि पौधे की ऊंचाई की बात करें, तो इसके जो पौधे की हाइट होती है वह 96 सेंटीमीटर तक होती है। किसान भाइयों, आप इसकी बुआई 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवम्बर तक कर सकती है। यह एक अगेती गेहूं की वैरायटी है। यदि इसमें बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको इसमें 45 किलोग्राम इसकी मात्रा लेनी होगी। इसके जो पकने की समय अवधि है, यह पकने में भरपूर समय लेती है। यह 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, यदि इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, तो इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही शानदार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस गेहूं की वैरायटी में 4 से लेकर 5 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि इसके कुल उत्पादन की बात की जाए, तो किसान भाइयों, आप इस गेहूं की वैरायटी से 25 क्विंटल से लेकर 26 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर दो गेहूं की वैरायटी के बारे में। नंबर दो पर जो हमने गेहूं की वैरायटी रखी है, इस वैरायटी का नाम है HD2967। यह बहुत ही प्रसिद्ध और पुरानी किस्म है। किसान भाइयों, यह पिछले कई वर्षों से किसान भाइयों को बहुत ही पंपर पैदावार देती हुई आ रही है। इस वैरायटी में किसानों का काफ़ी कम खर्च आता है और कम खर्च में, कम रोग में आपको एक अच्छी पैदावार निकाल करके मिलती है। किसान भाइयों, यदि इसकी बुआई के समय की बात करें, आप इसकी बुआई 25 नवंबर तक कर सकते हैं। यह एक अगेती किस्म है। किसान भाइयों, आपको इसमें 40 से लेकर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी होगी। इसके पकने की जो समय अवधि है वह मध्यम समय की है। यह 135 से लेकर 150 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि इसमें फुटाव की बात करें, तो आपको इसके एक पौधे से 15 से लेकर 20 कल्ले तक देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, इसके पौधे की हाइट जो होती है वह 98 सेंटीमीटर तक होती है। इसका तना काफ़ी मजबूत होता है। तना मजबूत होने के कारण यह तेज हवा, तेज बारिश में नीचे नहीं गिरती, जिस कारण से किसान भाइयों को अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। यदि इसमें सिंचाई की मात्रा की बात करें, तो आपको इसमें 3 से लेकर 6 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही शानदार है। आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी पैदावार की। HD2967 गेहूं की वैरायटी से 26 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर एक पर जो हमने वैरायटी रखी है, यह बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्यादा उत्पादन देने वाली गेहूं की वैरायटी है। इसका नाम जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर खेती संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अन्य सभी किसान भाइयों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, नंबर एक पर जो हमने गेहूं की वैरायटी रखी है, इस वैरायटी का नाम है DBW 327। यह बहुत ही प्रसिद्ध और किसान भाइयों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गेहूं की वैरायटी है। आप इसकी बुआई 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक कर सकते हैं। यह भी एक अगेती किस्म है। किसान भाइयों, HD2967 की जगह पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि यह HD2967 की तरह ही आपको कम खर्च में अच्छी पैदावार निकाल करके देती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में रोग काफी कम देखे गए हैं। आपको इसमें 45 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी होगी। इसके जो पौधे की हाइट होती है वह 98 सेंटीमीटर होती है। आपको इस वैरायटी में 3 से लेकर 4 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, यह वैरायटी 150 से लेकर 155 दिन के मध्य में पक करके तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में फुटाव काफ़ी अच्छा होता है, जिस कारण से ज़्यादा कल्ले बनते हैं और किसान भाइयों को अच्छी पैदावार देने को मिलती है। यदि इसकी कुछ खासियत की बात करें, तो इसकी जो बालियाँ होती है वह लंबी बनती हैं। दाना भराव काफ़ी अच्छा होता है। दाने में दूध की मात्रा ज़्यादा बनती है, जिस कारण से उसमें काफ़ी ज़्यादा वजन देखा जाता है। किसान भाइयों, यदि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, तो आपको इस वैरायटी में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग, चाहे वो पीला रतुआ हो, भूरा रतुआ हो या फिर करनाल बंड जैसा रोग हो, आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग देने को नहीं मिलेगा। इस वैरायटी की रोटी भी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। किसान भाइयों, यदि इसके कुल उत्पादन की बात की जाए,
तो आप DBW 327 गेहूं की वैरायटी से 28 क्विंटल से लेकर 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, आप इन तीनों ही वैरायटियों की बुआई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, इन सभी राज्यों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तीनों ही वैरायटी बहुत ही शानदार है और आपको बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल करके देती है। तो किसान भाइयों, आपको इन तीनों में से जो भी वैरायटी अच्छी लगती हो, आप उसकी बुआई करके अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।